राजस्थान की कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हम लोगों ने राजस्थान में कृषि के स्वरूप के बारे में बात की। उसके बाद राजस्थान के अंदर जो कृषि की विशेषताएं हैं उसको डिस्कस किया था। उसके बाद राजस्थान में जो मुख्य फसलें हैं किन किन विभागों में उनको बांटा गया है, तो उसके बारे में हमने बात की थी। और इस क्लास के अंदर हम अब राजस्थान के अंदर जो उत्पादित की जाने वाली फसलें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं राजस्थान की फसल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं की फसल के बारे में। गेहूं की फसल हम बात कर रहे हैं गेहूं की फसल के बारे में। तो खाद्यान्न फसलें जो है उनमें राजस्थान के अंदर जो उत्पादित की जाती है उन फसलों में गेहूं की फसल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। और राजस्थान में अगर बात की जाए तो गेहूं की फसल जो है वो कैसी फसल है, रबी की फसल है। रबी की फसल कौन सी होती है, वो होती है जो अक्टूबर नवंबर में जिसको बोया जाता है और फरवरी मार्च के समय में उसको काटा जाता है, वो फसल है रबी की फसल, जिसमें महत्वपूर्ण फसल के रूप में गेहूं को माना जाता है। इस फसल के लिए होने के लिए यानी इसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उसकी बात की जाए हम अनुकूल भौगोलिक दशाओं की बात कर रहे हैं हम गेहूं की फसल के लिए। ये जो अनुकूल दशाएं होती हैं इसमें तापमान, वर्षा और जलवायु से संबंधित तथ्य शामिल किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं तापमान के बारे में। गेहूं की फसल के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इस फसल को जो बोना होता है तो इस फसल को बोते समय जो तापमान की आवश्यकता पड़ती है वो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में इस फसल को पकने के लिए और इस फसल को पकने के साथ साथ जब इसका जो तापमान होता है वो लगभग क्या होना चाहिए, 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर फसल को पकने के लिए अनुकूल माना जाता है। फिर ये फसल मुख्य रूप से शीतकाल की फसल है जो रबी की फसल के रूप में है। तो ये फसल को जब बोया जाता है तो उस समय टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और इस फसल को पकने के लिए जो तापमान की आवश्यकता पड़ती है वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए। शीतल का जो तापमान है वो 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो इस फसल के लिए अनुकूल माना जाता है।
बादलों की बात की जाए तो गेहूं की फसल जब पकती है उस समय बादल नहीं होने चाहिए, यानी कि मौसम जो है वो कैसा होना चाहिए, मेघ रहित होना चाहिए। बादल नहीं होने चाहिए फसल को पकने के लिए। वर्षा की परिस्थिति होती है तो उससे गेहूं जो पका हुआ है वो खराब हो जाता है, फसल बिगड़ जाती है। बादल जब छाए रहते हैं तो गेहूं की जो फसल है इसमें कुछ जीवाणु लग जाते हैं जिससे फसल को नुकसान पहुंचता है। तो बादल छाए रहने से गेहूं की फसल में मुख्य रूप से रतवा, चेपा, गजवा ऐसे जीवाणु लग जाते हैं जो फसल को बिगाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं। वर्षा की बात की जाए तो इस फसल के लिए वर्षा की जो अनुकूलतम मात्रा मानी जाती है वो लगभग 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर की वर्षा अनुकूल मानी जाती है गेहूं की फसल के लिए। जिन क्षेत्रों में शुष्क भाग है यहाँ राजस्थान के अंदर जहाँ वर्षा की मात्रा में कमी पाई जाती है वहां पर सिंचाई की सहायता से गेहूं की फसल का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है और बुआई होने के बाद 15 दिनों बाद और पकने से 15 दिन पहले चक्रवाती वर्षा यदि हो जाती है तो वो गेहूं की फसल के लिए बहुत अधिक लाभदायक होती है। यानी कि जब बीज बो दिया गया है गेहूं की फसल का तो इसको बोने के बाद में लगभग 15 दिन बाद में यदि वर्षा उत्पन्न होती है वहां पर तो वो इस फसल के लिए सोने के समान होती है और वो इस फसल में बहुत अधिक उपयोगी होती है, लाभदायक होती है। इसी तरीके से फसल पकने से लगभग 15 दिन पहले भी यदि वर्षा उत्पन्न होती है, वर्षा आ जाती है तो वो समय होने वाली वर्षा भी बहुत ही अधिक लाभदायक होती है गेहूं की फसल के लिए। हाँ, पकते समय यदि वर्षा हो रही है तो उससे गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचता है, लेकिन लास्ट टाइम जो होता है फसल पकने का उस समय यदि वर्षा हो जाती है तो वो बहुत ही अनुकूल होती है। गेहूं की जो फसल है इसके लिए मिट्टी की बात की जाए तो इसके लिए सबसे अधिक जो उपजाऊ मिट्टी है वो दोमट मिट्टी को माना जाता है। यानी कि दोमट मिट्टी के क्षेत्र में गेहूं की फसल का अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। महीन लाल मिट्टी और चीकर धातु मिट्टी है वो भी इस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि बारीक कांप मिट्टी और चीका प्रधान जो मिट्टी है ये भी इस फसल के लिए अनुकूल मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे बेस्ट मिट्टी होती है गेहूं की फसल के लिए वो होती है दोमट मिट्टी। तो इस तरीके से ये सभी भौगोलिक दशाएं हैं जिनके आधार पर गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है। तो ये सभी अनुकूल दशाएं यदि पाई जाती हैं तो वहां पर उत्पादित होने वाली राजस्थान के अंदर जो उत्पादित होने वाली गेहूं की फसल है अधिकतम वर्षा की अधिकतम गेहूं की फसल की उत्पादकता करते हैं, इनका प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद राजस्थान के अंदर जिन क्षेत्रों में गेहूं को उगाया जाता है यानी कि राजस्थान में जहां पर जिस भूमि के ऊपर गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है वहां आने वाला जो गर्मी है उनमें गेहूं की फसल का प्रदर्शन करने के बाद जब गर्मी आती है तो उस समय इस भूमि को परती भूमि के रूप में छोड़ दिया जाता है और इसमें खाद को मिला दिया जाता है। सिंचाई की इसके अंदर आवश्यकता पड़ती है, इसलिए नियमित रूप से खेतों के अंदर पांच जो पानी है वो तो लगभग 5 बार मिलाया जाता है खेतों में। ये मुख्य रूप से दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी के अंत में और मार्च के अंदर 2 बार भूमि को पानी की आवश्यकता पड़ती है सिंचाई के द्वारा। इस तरीके से
गेहूं का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में यानी कि राजस्थान के पूर्वी भाग में और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में जो गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है उसका कुल जो उत्पादन होता है राजस्थान का उसके लगभग 68% क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। 68% से भी ज्यादा क्षेत्र के ऊपर राजस्थान में जो कुल कृषि योग्य भूमि है उस पर मुख्य रूप से गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है। राज्य के जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं यानी कि जो पूर्वी जिले हैं जिनमें जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर और धौलपुर के मुख्य रूप से 30% गेहूं का प्रोडक्शन यहाँ पर करते हैं। राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा और धौलपुर, ये राजस्थान के लगभग एक तिहाई गेहूं का प्रोडक्शन यहाँ पर करते हैं। इसके बाद जो अन्य क्षेत्र हैं, अन्य उत्पादक जिले हैं, उनमें बारा, कोटा, करौली, सवाई माधोपुर, राजसमंद, उदयपुर, बूंदी, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा जिले हैं, जहाँ पर इन 5 जिलों के अलावा सभी जिलों में महत्वपूर्ण रूप से गेहूं की फसल का ही उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र ये महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है राजस्थान के अंदर गेहूं की फसल का। और इसके अलावा जो राजस्थान राज्य का दूसरा उत्पादक क्षेत्र है, दूसरा मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अंदर फैला हुआ है। यानी कि राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ में गेहूं का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में किया जाता है। ये क्षेत्र के अंदर इंदिरा गांधी नहर की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए इंदिरा गांधी नहर के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की सुविधा करके सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो जाती है, जिससे यहाँ पर गेहूं का अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता है। और इंदिरा गांधी नहर के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की उत्तम सुविधा प्राप्त होने के कारण ये जो क्षेत्र है गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र, ये राजस्थान में जो गेहूं का उत्पादन है उसमें न केवल राजस्थान का बल्कि ये पूरे भारत देश का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र बनता जा रहा है। राजस्थान राज्य का लगभग 96% जो गेहूं का क्षेत्र है वो सिंचाई सुविधा के अंतर्गत ही आता है। पश्चिमी रेतीले मैदान की बात की जाए तो यहाँ पर जो जलवायु है ये अत्यधिक शुष्क यहाँ पर जलवायु है और सिंचाई की सुविधा का यहाँ पर अभाव पाया जाता है, जिसके कारण गेहूं का उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसकी खेती के लिए मिट्टी की जो तैयारी है वो मध्य सितंबर से मध्य नवंबर के बीच में की जाती है। बुआई का जो कार्य है यानी कि गेहूं की फसल को जब बोने का समय होता है वो समय यहाँ पर मध्य अक्टूबर से और लगभग दिसंबर की शुरुआत तक का समय गेहूं की फसल की बुआई का समय माना जाता है। सिंचाई जो है वो यहाँ पर जनवरी के शुरुआत में, मध्य फरवरी में और मार्च के अंदर सिंचाई की सुविधा करना गेहूं की फसल के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। और गेहूं की फसल जब सिंचाई हो गई है तो उसके बाद में इसको काटने का जो कार्य है यानी कि गेहूं की फसल की जो कटाई का कार्य है ये मार्च के अंत से शुरू होता है और यहां से शुरू होकर के ये मध्य अप्रैल तक इस फसल का उत्पादन मार्च के अंत तक प्राप्त कर लिया जाता है। कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर गेहूं की फसल
दिसंबर के आसपास तक बोई जाती है, वहां पर गेहूं की फसल को काटने का समय लगभग अप्रैल तक होता है, तो अप्रैल के महीने तक भी कुछ क्षेत्रों में इस फसल को काटा जाता है।
राजस्थान में गेहूं के उत्पादन की बात की जाए तो राजस्थान में 1950-51 के समय में जो गेहूं का उत्पादन होता था वो लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर गेहूं को बोया जाता था, जो 2008 में लगभग 72,87,000 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र इसके अंतर्गत आने लगा। तो इस तरीके से राजस्थान के गेहूं के जो बोए हुआ क्षेत्रफल है इसमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इसका मुख्य कारण क्या है कि सिंचाई के साधनों में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, वैसे वैसे ही गेहूं की नवीनतम किस्मों को अपनाया जाना, ये भी राजस्थान के अंदर जो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है उसको निर्धारित कर रहा है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के अंदर मैक्सिकन सोना, कल्याण सोना, सरबती सोनेरा, कोहिनूर ऐसी गेहूं की किस्मों को भी उत्पादित किया जाने लगा है, जिनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन कई गुना अधिक मात्रा में होता है। यानी कि जो सामान्य गेहूं की किस्म है उससे कई गुना अधिक प्रोडक्शन इन गेहूं की किस्मों का पाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कल्याण सोना और मैक्सिकन सोना, सरबती सोनेरा, कोहिनूर 1482 ये गेहूं का मुख्य रूप से यहाँ पर प्रोडक्शन किया जा रहा है, और इससे राजस्थान के अंदर जो उत्पादित होने वाला गेहूं है उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। राज्य के अंदर वर्तमान समय में गेहूं की जो प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता है वो लगभग 2750 किलोग्राम होती है। राजस्थान राज्य के अंदर धौलपुर जिले की जो उत्पादकता है वो सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, और धौलपुर जिले की जो प्रोडक्टिविटी है वो लगभग प्रति हेक्टेयर 3848 किलोग्राम तक पाई जाती है। और जो अन्य 11 जिले हैं जिनमें दौसा, झुंझुनू, झालावाड़, भरतपुर, अलवर, उदयपुर, बूंदी, बारा, सिरोही, भीलवाड़ा और कोटा जो क्षेत्र है इनकी उत्पादकता भी राज्य के औसत से भी बहुत अधिक इनको रिकॉर्ड किया जाता है। राज्य की औसत उत्पादकता से भी अधिक उत्पादकता इन सभी 11 जिलों की है, जहां पर इनकी उत्पादकता लगभग 2765 किलोग्राम इसकी औसत उत्पादकता होती है। तो इस तरीके से इन क्षेत्रों के अंदर मुख्य रूप से गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो लगातार वृद्धि कर रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। दो हजार आठ नौ के समय में गेहूं का जो उत्पादन है वो लगभग 72.87 लाख टन का प्रोडक्शन इसके अंदर किया जा रहा है। 2006-07 में अखिल भारतीय जो गेहूं का प्रोडक्शन है वो लगभग 7.5 करोड़ टन का था, जो इससे लगभग 10.41% का भाग जो है वो राजस्थान राज्य से ही प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से गेहूं के प्रोडक्शन में राजस्थान का एक महत्वपूर्ण भाग पूरे देश के अंदर होता है। तो ये बात थी अपनी गेहूं की फसल के बारे में। इसके बाद हम बात कर रहे हैं राजस्थान की दूसरी फसल जिसे जौ के नाम से जाना जाता है। जौ फसल एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में है राजस्थान के अंदर, जो प्रमुख खाद्यान्न फसलों में शामिल की जाती है। जौ फसल की बात की जाए तो अच्छी किस्म के जो जौ होते हैं उससे उसका उपयोग कई अन्य उत्पाद के निर्माण में किया जाता है। जैसे अच्छी किस्म के जो जौ होते हैं उनका उपयोग से जौ का पानी और शराब भी निर्मित की जाती है, शराब भी बनाई जाती है। जौ का पौधा जो है ये मुख्य रूप से शुष्क और बालू मिश्रित कांत मिट्टी के क्षेत्र में उत्पादित होता है। ये शुष्क जलवायु में भी पूर्ण रूप से विकसित हो सकता है, और इसके पौधे जो है वो 15 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता इसके पौधे को होती है, और ये शीघ्रता से बहुत तेज गति से ये पौधा पक करके तैयार हो जाता है।
राजस्थान में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के ऊपर जो कि कृषि को किया जाता है, यानी कि राजस्थान के कुल कृषि योग्य जो भूमि है उसके लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के ऊपर जो कि कृषि की जाती है, जिसका राजस्थान के अंदर जो कुल जौ का उत्पादन हो रहा है उसका लगभग 90% जो क्षेत्र है वो दौसा, जयपुर, अलवर, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, गंगानगर, सीकर, नागौर और झुंझुनू जिलों के अंदर इसका 90% क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। राज्य में जौ का जो 50% क्षेत्र है वो जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर और सीकर जिलों में इसका लगभग 50% उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है, जिसमें जयपुर के अंदर 22% से अधिक क्षेत्र, अजमेर में 11% से अधिक क्षेत्र, भीलवाड़ा में 11% से अधिक क्षेत्र और सीकर में 7% के आसपास का क्षेत्र शामिल किया जाता है। जबकि राज्य का जो 50% प्रोडक्शन है जौ का वो 22% जयपुर में, अजमेर में 11%, भीलवाड़ा में 11%, उदयपुर में 7% से ज्यादा यहाँ पर प्राप्त होता है, जिसमें नागौर, गंगानगर, सीकर और झुंझुनू जिलों के अलावा जो सभी जिले हैं उसमें ये सभी जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा जो रेखा है इसके पूर्व में ये सभी जिले स्थित हैं, जहां पर राज्य के 50% जौ का उत्पादन यहाँ किया जाता है। वर्ष 1997-98 की बात की जाए तो इसमें जौ का जो कुल उत्पादन है ये लगभग 5 लाख टन से भी अधिक इसका प्रोडक्शन हुआ था। गेहूं चने के साथ में जो कि मिश्रित खेती भी की जाती है, कुछ क्षेत्रों के अंदर गेहूं और चने की फसल का उत्पादन करने के साथ साथ इनको भी जौ का भी उत्पादन यहाँ पर मिश्रित रूप में किया जाता है। 97-98 में राज्य में जौ का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन लगभग 1900 किलोग्राम से भी अधिक हुआ था। जौ की किस्में कई होती हैं, जिसमें मुख्य किस्में हैं आरडी 2035, आरडी 2508, इनका उत्पादन ही राजस्थान राज्य के अंदर सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। और वर्ष 2009 और 2010 की बात की जाए तो इस समय में जौ का उत्पादन लगभग 6 लाख टन से भी अधिक मात्रा में उत्पादित किया गया था। तो इस तरीके से राजस्थान के क्षेत्र के अंदर जौ के प्रोडक्शन में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसका अन्य उद्योगों में, अन्य उत्पादों के निर्माण में बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से जौ की फसल भी राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में है। तो इस तरीके से इस क्लास के अंदर हमने बात की है राजस्थान की दो फसलों के बारे में, जिसमें एक महत्वपूर्ण फसल है गेहूं और दूसरी महत्वपूर्ण फसल है जौ। इनको कंप्लीट करने के बाद आगे की और जो फसलें हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आज हम इस टॉपिक को रोकते हैं और आगे के बारे में, आगे का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।